बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से औरंगाबाद में श्री जी के माध्यम से राजा भाव सिंह की जागनी हुई है, कैसे उनको श्री जी के वचनों पर विश्वास आता है, कैसे वे शर्त रखते हैं कि मेरे 4 दरबारी हैं जिनको विश्वास आएगा तो मैं आगे औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करूंगा। उन 4 में से 3 दरबारी पूर्ण रूप से विश्वास ले आते हैं, चौथा स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद फिर जब चमत्कार मांगते हैं कि मुझे परम धाम का दर्शन करा दीजिए पहले, तो किस तरह से उनका तन छूटता है, उसके पीछे कारण क्या है वो भी हमने सुना। और भाव सिंह के देह त्याग के पश्चात कैसे फतुल्लाह के जो सैनिक थे वे सुंदर साथ और श्री जी को जगह जगह ढूंढ रहे थे, वहाँ से सबकी रक्षा करके श्री जी सहित सुंदर साथ आकोट पहुँचते हैं, जहाँ कुछ सुंदर साथ के मन में संशय आने लगता है कि यदि हम वास्तव में ब्रह्म सृष्टि हैं अथवा श्री जी अक्षरातीत हैं तो हमारे साथ ऐसा दुख क्यों घटित हो रहा है, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, जिनके समाधान में ये प्रकरण है जिसको हम कल से सुन रहे हैं। इस प्रकरण में राज्य ने हम पर कैसे कैसी मेहर करी है उसका वर्णन है, जिसको हम सुन रहे थे। कल की अंतिम चौपाई हमने सुनी थी कि जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध, सो संयो को दई जागृत हृदय बुध, जागृत हृदय बुध तीन बुध संग तारतम, सब कही हकीकत धाम। हमें राज्य ने जागृत बुद्धि का वह ज्ञान दिया है जिसके द्वारा परमधाम में होने वाली सभी लीलाओं का हमें पता चल रहा है। साथ में तारतम की चौपाइयां भी दी है। जागृत बुद्धि के साथ तारतम ज्ञान का जो प्रकाश है उसने परमधाम की सारी लीला हमें उजागर कर दी है। यहाँ सुंदर साथ के मन में कई बार प्रश्न आता है कि हमारी वाणी को जागृत बुद्धि का भी ज्ञान कहा जाता है और निज बुद्धि का भी कहा जाता है, तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि में फर्क क्या है। वैसे तो 3 प्रकार की बुद्धि की बात की जाती है, स्वप्निक बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। इन 3 बुद्धियों को समझने के लिए हमें 3 पुरुषों के विषय में समझना होगा, जिनको हम पहले भी कई बार चर्चा में सुन चुके हैं, इसलिए मैं पुनः उनकी बहुत अधिक विवेचना नहीं कर रहा हूँ। केवल इतना समझते हैं कि 3 पुरुष है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। तीनों की जो बुद्धि है, यदि हम नारायण की दृष्टि से देखें तो जिसको हम स्वप्निक बुद्धि कहते हैं वह नारायण की दृष्टि से निज बुद्धि है। निज मतलब अपनी बुद्धि होता है ना, तो नारायण की दृष्टि से वह उनकी स्वयं की निज बुद्धि है जो कि जागृत है। तीनों बुद्धि को हम अलग अलग कैटेगरी में समझ सकते हैं। तो जो नारायण की बुद्धि है, जिसमें ये संपूर्ण दृश्यमान जगत है और साथ में उतना जगत जिसको अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जिस पृथ्वी लोक पर हम हैं, हम इस सौर्य मंडल में हैं जिसमें 8 ग्रह हैं। पहले तो 9 ग्रह माने जाते थे, जिनमें से अभी जिनको प्लूटो अथवा यम कहा जाता है, वो कहा जाता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से कहीं दूर निकल चुका है, इसलिए अभी 8 ही ग्रह मानते हैं। तो हम इस सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं और जिस सौर्यमंडल में हम रह रहे हैं वह मिल्की वे नामक आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसमें है। यदि हम मिल्की वे नामक गैलेक्सी की बात करें तो इस गैलेक्सी में हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं और बहुत सारे सूर्य जैसे अनेकों तारे हैं। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना पता लग चुका है, ऐसे लगभग लगभग 16 खरब आकाशगंगाएं हैं जिनके विषय में वैज्ञानिक बात करते हैं। और ये जो गैलेक्सी है, हमें 16 खरब कहने में बहुत कम समय लग रहा है, पर ये जो आकाशगंगाएं हैं ये खरबों सौर्य अथवा प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? मैं इसको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ नए विद्यार्थी भी हैं और बहुत सारे जो इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं। इस ब्रह्मांड का विस्तार हम तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रकाश की जो गति होती है, क्योंकि यहाँ हम दूरी बता रहे हैं ना, दूरी को हम सेकंड में थोड़ी मापते हैं। यहाँ से सरसावा की दूरी कितनी है, 15 मिनट, ये तो गलत है ना। यहाँ से सरसावा की दूरी 2 किलोमीटर है। समय मापने का पैमाना अलग है, गति मापने का पैमाना अलग है, पर और दूरी मापने का अलग है। लेकिन यहाँ समय और गति के आधार पर दूरी क्यों बताई जा रही है, ताकि हमें समझने में और आसानी हो। देखिए, प्रकाश की जो गति होती है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 मिनट में कितना होगा? 3 लाख को 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, लगभग 18 करोड़ हो सकता है, मेरे ख्याल से 18 करोड़ होगा 1 मिनट में। इसी तरह से 1 घंटा अगर निकालना हो तो उसको फिर से 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 घंटे में प्रकाश की दूरी का पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से 1 दिन भर में प्रकाश कितनी गति तय करता है, तो उसको आपको फिर जितना निकाला है अभी 3 लाख गुणे 60 फिर गुणे 24 करना पड़ेगा, तो 1 दिन की प्रकाश की गति का हमें पता चलेगा, ठीक है, जो कि आपके कैलकुलेटर में नहीं आएगा अब, ठीक है, जितना कैलकुलेटर की क्षमता है उसमें अब नहीं आने वाला है। उसमें अब साल भर में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, तो फिर से 365 से गुणा कर दीजिए, तो 1 साल का पता चलेगा। और उसमें से 16 खरब यदि गुणा कर देंगे तो जितना आएगा आप सोच भी नहीं सकते, मानवीय बुद्धि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आकाशगंगाओं की जो दूरी है वो इतनी है कि दूसरी आकाशगंगा में पहुंचने के लिए इतना समय हमें गुजारना पड़ता है, जो कि असंभव है। इसीलिए जीव सृष्टि की दृष्टि से यह जो हद का ब्रह्मांड है वह भी बेहद ही है, अनंत है, ठीक है। तो और जितना अभी मैंने बताया, भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड का केवल 4% है। तो जितना हम निकाल पाते उसको 25 से और गुणा कर देंगे तो ब्रह्मांड के विषय में पता चलेगा जो हमारी क्षमता में है ही नहीं, उतनी संख्या अभी बनी ही नहीं है। ठीक है। और ये सारी सृष्टि है नारायण की, और इस सृष्टि की समझ में नारायण की जो बुद्धि प्रयुक्त होती है उसको हम ब्रह्म सृष्टि स्वाप्निक बुद्धि कहते हैं। ठीक है। जो कि नारायण की तो निज बुद्धि है, हमारे लिए वह स्वप्निक बुद्धि है, जबकि नारायण की वह निज बुद्धि है और वो तो जागृत है ना। नारायण थोड़ी सो रहे हैं, वो अपने हिसाब से जागृत है, पर हमारे दृष्टि से क्या है, जो कि अव्याकृत, जो कि अक्षर का मन है, उसका सांकल्पिक प्रतिबिंब है, जिसको हम सोया हुआ कहते हैं। इसीलिए उसकी बुद्धि को हम कहते हैं स्वप्निक बुद्धि। हमारी दृष्टि में वो स्वप्न की बुद्धि है। ठीक है। अब आते हैं जागृत बुद्धि में। अक्षर ब्रह्म की जो निज बुद्धि है, हमारी निज बुद्धि नहीं, अक्षर ब्रह्म की जो निज बुद्धि है उसको हम जागृत बुद्धि कहते हैं। वो जागृत है। ठीक है। और उनकी वो स्वयं की अपनी बुद्धि है, इसीलिए अक्षर की जो निज बुद्धि हुई वो हम जागृत बुद्धि के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से हमारी जो अपनी बुद्धि है, हमारी बुद्धि स्वप्निक है कि जागृत है? हमारी बुद्धि जागृत है ना, लेकिन क्योंकि वो हमारी है इसलिए हम उसको निज बुद्धि कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो नारायण की जो निज बुद्धि है वो स्वप्निक बुद्धि है, अक्षर की जो निज बुद्धि है वो जागृत बुद्धि है, और हमारी जो जागृत बुद्धि है वो हमारी निज बुद्धि है। ठीक है। बस इतना शब्दों का फेर है और समझ का फेर है। अब सवाल यह है कि वाणी को हम जागृत बुद्धि का ज्ञान कहें कि निज बुद्धि का ज्ञान कहें, या फिर यदि जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दोनों का ज्ञान है तो हम फर्क कैसे पता करें कि ये जागृत बुद्धि की चौपाई कौन सी हो सकती है, निज बुद्धि की चौपाई कौन सी हो सकती है? वैसे तो फर्क करके क्या ही कर लेंगे, कुछ करेंगे तो नहीं। हाँ, फिर भी समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकरण अथवा जिस चौपाई में राज्य श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के आनंद को, हमारी लीला को, हमारी शोभा को वर्णित किया है वह निज बुद्धि है। ठीक है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म की तो वह सामर्थ्य नहीं है कि हमारे श्रृंगार का वर्णन कर सके। हाँ, जाग्नि ब्रह्मांड में आने से, इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होने से अब अक्षर को वह शोभा मिली है कि ब्रह्म सृष्टियों की शोभा श्रृंगार को जान सकते हैं। इसीलिए इंद्रावती जी ने कलश की वाणी में कहा, मेरी संगतें ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी भई अक्षर। मेरी संगति में रहने से अक्षर की बुद्धि बड़ी हो गई। मतलब पहले जो चीज़ उन्हें जागृत अवस्था में भी पता नहीं था, अब उन्हें पता है कि परम धाम में क्या क्या लीला होती है। क्योंकि चाहते तो वो वही थे ना, तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर की घर। तो इतना समझिए कि जैसे सागर की वाणी है, श्रृंगार की वाणी है, परिक्रमा में हमारी सभी लीलाओं की जो वाणी है, खिलवत की, ये सब वाणी निज बुद्धि से संबंधित है। और जितने भी प्रकरण या जितने भी ग्रंथ जिनमें इस संसार के विषय में बताया है, माया के विषय में बताया है, जीव के प्रबोध के विषय में बताया है, धर्म ग्रंथों के रहस्यों के विषय में बताया है, उनको हम कह सकते हैं कि ये जागृत बुद्धि का ज्ञान है। हाँ, इतना अवश्य है कि जहाँ निज बुद्धि है वहाँ जागृत बुद्धि अवश्य ही होगी। जैसे एक बोलचाल में कहावत कही जाती है ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। समझ में आया? हाथी का पाँव क्योंकि सबसे बड़ा होता है ना, उसके माप का कुछ बना लेंगे तो उस माप में सबके पाँव घुस जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से जहाँ निज बुद्धि की बात आती है वहाँ समस्त ज्ञान उसमें समाहित हो जाता है। ठीक है। अब प्रसंग है कि तीन बुद्ध संग तारतम सब कही हकीकत धाम। राज्य ने जागृत बुद्धि के साथ तारतम ज्ञान के प्रकाश में हमें सारी धाम की हकीकत अर्थात परम धाम की लीला का, वहाँ की शोभा का वर्णन कर दिया। और कहते हैं सो वतन सयन का जाहिर किया इस धाम। वह वतन किसका है? हम ब्रह्म सृष्टियों का, जिसको इस संसार में, इस नश्वर जगत में राज्य ने उजागर कर दिया है, जाहिर अथवा प्रकट किया है। ये राज्य की मेहर है। ठीक है, कल हमने राज्य की कुछ मेहर के विषय में सुना, एक और है। अब आगे देखते हैं। धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप बिहार। परम धाम की जिन बीतकों की हम बात करते हैं, जैसे हम परिक्रमा पढ़ें, हम विभिन्न परमहंसों की वृत्तों को पढ़ें, जैसे श्री लालदास जी की बड़ी वृत्त है, जवाहर दास जी की वृत्त है, युगल दास जी की वृत्त है। इन सभी वृत्तों में परम धाम की लीलाओं का भी वर्णन किया है, शोभा का भी वर्णन किया है। ठीक है, और विशेष रूप से तो राज्य ने परिक्रमा में दिया, उसी परिक्रमा को ही आधार मान करके सभी परमहंसों ने पहले दर्शन किया और उसके बाद सुंदर साथ की सहूलियत के हिसाब से अपने अपने भाव में उन्होंने उसको लिखा या लिपिबद्ध किया। तो वह जो बात है परम धाम की, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। मूल स्वरूप के चित्त में जो कुछ भी बातें आती है, ब्रह्म सृष्टि उसको जान जाते हैं। या खबरदार होने का मतलब उससे सजग होती हैं या जागृत होती हैं। कैसे मूल स्वरूप की बातें कैसे आती है? यहाँ एक चौपाई है, मेरे ख्याल से आप सभी को याद है, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। वाणी में राज्य ने अपने दिल को खोल के रख दिया है। हम कई बार वाणी को किसी ग्रंथ के रूप में देखते हैं कि देखो दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। हाँ, ये एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो दूसरे धर्म ग्रंथों से बेहतर है, कोई ऐसा सोचता है। कोई ऐसा सोचता है कि इस ग्रंथ में, दुनिया के धर्म ग्रंथों में रहस्य, लिखे गए रहस्यों को खोलने की क्षमता है। लेकिन इस वाणी को पूर्ण रूप से वही समझ सकता है जो ये समझे कि ये राज्य ने अपना दिल खोल के रखा है। इसको हम केवल ग्रंथ के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, शब्द ज्ञान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ सकते। जैसे जिस प्रकार किसी व्यक्ति, किसी के द्वारा लिखी गई बात को समझने के लिए उसके आगे पीछे के प्रसंग को समझना जरूरी होता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं, स्कूली पढ़ाई तो की ही होगी, 10वीं 12वीं में कोई कविता के पद दिए जाते हैं, कोई दोहा दिया गया या कोई एक चौपाई दी गई, कोई साखी दी गई या कोई एक अंश दिया गया, या फिर किसी पाठ में से एक आध पैराग्राफ दिया जाता है और लिखा रहता है ससंदर्भ व्याख्या करें, संदर्भ सहित। अब उसको व्याख्या करने के लिए हमें क्या क्या समझना पड़ता है? पहले तो कि लेखक कौन है, उसका भाव क्या है, किन प्रसंगों में वह लिखा गया है, आगे पीछे कैसा प्रसंग चल रहा है। क्योंकि हम प्रसंग को नहीं समझेंगे तो केवल शब्द के बल पर अर्थ को नहीं समझ सकते। जैसे एक कहावत है इस प्रसंग को समझने के लिए, एक प्रश्न है, मुहावरा या पहेली, जिसमें कहा कि हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में मिल गए हरि भयो उदास। इसका अर्थ क्या है? पता ही नहीं। प्रसंग देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए, हरि बोला, यहाँ पहला जो हरि है वह है मेढक। मेढक को हरि कहा गया है क्योंकि हरि शब्द का अर्थ होता है हरण करने वाला। ठीक है, मेढक बोला तो सांप ने सुना, फिर सांप गया मेढक के पास, हरी हरी में मिल गयो, सांप पानी में कूद गया, पानी को भी हरी कहा है, और मेढक जो है वो पानी में कूद गया, सांप उसको देख करके उदास हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण दिया जाता है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है। दो कनक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ खाने और पाने की बात की गई है। यदि खाने और पाने की बात न की गई होती तो आपको यहाँ समझ में नहीं आता कि कौन कौन से कनक की बात की जा रही है। इसी तरह से किसी भी बात को अच्छे से समझने के लिए पहले जिसने लिखा है उसको जानना आवश्यक होता है। ठीक है, अब यहाँ ब्रह्मवाणी लिखने वाला कौन है, इसका कोई लेखक तो है नहीं। यह ब्रह्म की वाणी है, इसीलिए तो ब्रह्मवाणी है। तो राज जी ने अपना दिल निकाल के इसमें रख दिया है। यदि हमें वाणी को समझना है तो राज जी को समझना होगा, या यूं समझ लीजिए कि राज जी को समझना है तो वाणी को समझना होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर दोनों को समझना है तो किसको समझना होगा? वाणी और राज जी दोनों समझने के लिए हमें इंद्रावती जी की अवस्था को समझना होगा कि इंद्रावती जी किस अवस्था में पहुंची थी। जो उस अवस्था के जितना नजदीक पहुंचेगा वो इस वाणी को उतनी ही गहराई से समझ लेगा। इसके अलावा आपके पास चाहे पीएचडी की डिग्री हो, डॉक्टरेट की डिग्री हो, दुनिया की जितनी भी डिग्रियां हैं सारी पूंछ आप अपने पीछे लगा लीजिए, लेकिन यदि हम इंद्रावती जी की अवस्था के नज़दीक नहीं पहुंचेंगे तब तक वाणी नहीं समझ सकते। राज जी ने तो अपना दिल निकाल के रख दिया, इसलिए इसको पहली बात तो ग्रंथ के रूप में न देखें। केवल दुनिया के समझने के लिए एक ग्रंथ है कुलजम स्वरूप, स्वरूप साहेब या तारतम वाणी के नाम से दुनिया के लिए एक ग्रंथ हो सकता है, पर हमारे लिए, हम कहते हैं ना, आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरे। राज जी के अंगों की बात करते हैं कि रास चरण प्रकाश पिंडुरिया खट ऋतु घुटन कलश जंघन की, कि रास किस तरह से राज जी के चरण है, ठीक है, प्रकाश किस तरह से पिंडलियां हैं, खट ऋतु घुटन है। इस तरह से हमने एक एक ग्रंथ को राज जी की एक एक अंग की शोभा दी है, और यह वाणी राज जी ने खोल करके हमें दी है। तो ये राज जी की हम पर मेहर है। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए। अक्षर ब्रह्म को, परमधाम की जिस लीला का ज्ञान नहीं था, वह भला त्रिगुण के पास कैसे हो सकता है। हमने कल भी सुना था कि संसार के लोग, इस वाणी की अभी महिमा बताई जा रही ना, हमने बेहद वाणी पढ़ी होगी तो हमें कुछ चौपाइयाँ तो लगभग सभी सुंदर साथ को याद होगी। जैसे हम कहते हैं, या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, या वाणी के कारणे कई भैरव झपावे, या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह कटावे, किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रैगुण। इस ब्रह्म लीला के विषय में जानने के लिए, ब्रह्म के विषय में, उसके धाम स्वरूप के विषय में जानने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। किसी ने अपने शरीर को बर्फ में गला दिया, किसी ने चारों तरफ आग जला करके बीच में अपने आप को रखा कि तप है, मुझे किसी तरह से परमात्मा मिल जाए। आप कुंभ के मेले में जाकर देखिए, हरिद्वार ऐसे तीर्थ स्थानों में जाके देखिए तो कई लोग मई जून की तपती दोपहरी में धुनी तापते हुए मिलेंगे, वो भी एक तरफ नहीं, चारों तरफ आग जला करके। क्यों? ताकि उन्हें पता चले वो मुक्ति पाना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हैं। एक कहावत, एक बात कही जाती है, समाज में प्रचलित है, कि काशी में कोई ऐसा स्थान था, बनारस में, कि भूगर्भ में, जिसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं ना, भूगर्भ में यंत्र के माध्यम से आरे चला करते थे और ऊपर से लोग उस आरे पे कूद के खुद को कटवाते थे, जिसको करवत लेना कहा गया है। चौपाई आती है ना, कई भैरव करवत ले। भैरव मतलब पहाड़ में से लोग कूद जाते थे 2006 की घटना है, मैं बता रहा हूँ। मैं पहली बार पन्ना जी गया था, मेरे विचार से आप में से तो कोई भी नहीं है उस समय गया होगा। तो हम जैनपीठ के 12 विद्यार्थी थे, पहला बैच था। और चोपड़ा जी के पास में एक कौवा शेर नामक खाई है, बहुत गहरी, आप में से कुछ लोग गए होंगे। उस साल ऐसा हुआ था कि मुक्ति प्राप्त करने के नाम पर वहाँ 6 या 7 साधुओं ने, जिनमें एक साध्वी भी थी, वो उस खाई में कूद करके उन्होंने जान दे दी थी। ये तो मेरी जानकारी की घटना है, ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई होंगी। हम लोग उज्जैन में कुंभ के मेले में गए थे 2016 में। कई लोग इस तरह से हाथ ऊपर खड़ा करके कहते हैं 10-10, 12-12 वर्षों से हाथ ऊपर ही की है, अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचा है तो पूरी तरह से सूख चुका है। हमें कई बार, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट के रूप में 5 मिनट के लिए हाथ खड़ा कर दिया जाए तो झंझनाहट शुरू हो जाती है। हमें 2 मिनट शीर्षासन करने के लिए कह दिया जाए तो ऐसा लगता है कि पूरे शरीर का खून चेहरे पर आ रहा है। लोग पेड़ों में उल्टा लटक के, वर्षों से लटक के तप कर रहे, क्यों? उस परमात्मा को पाने के लिए, उसके धाम स्वरूप लीला को जानने समझने के लिए। लेकिन जिसका पता अक्षर को ही नहीं है, वह त्रिगुण को कैसे हो सकता है? और क्या कहते हैं, सो सुपन के जीवों को सब ठौर बताया सोए, ब्रह्म सृष्टियों की बदौलत। राज जी ने स्वप्न के जीवों को भी वह सौगात दे दी। अब इसमें ब्रह्म सृष्टि की बदौलत का मतलब क्या है? हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी बदौलत जीव सृष्टि को वाणी मिली? किया कुछ नहीं है, केवल शोभा दी है राज जी ने हमें। जैसे घरों में कई बार लोग आते हैं, कई बार गेस्ट आते हैं या कुछ मांगने वाले आते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों के नाम से कुछ दे देते हैं ना, या अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं कि बेटा ये दे दो। अब इतने में बेटा फूल करके कुप्पा हो जाए कि मैंने 500 रुपये दे दिए। उसने कमाया थोड़ी है, उसने परिश्रम थोड़ी की है। तो हमने ऐसा क्या कर लिया कि जो ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म सृष्टि की बदौलत दी जा रही है? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। बस इतना है कि राज जी ने हमें शोभा दी। जैसे यूं समझ लीजिए कि कोई राजा है और उसे कोई कन्या पसंद आ जाती है, कोई लड़की पसंद आती है विवाह के लिए। देख के वह आकर्षित हो जाता है, लेकिन वह गरीब घर की कन्या है, किसी छोटे से गांव की कन्या है। राजा क्या करेगा? सबसे पहले तो उसको रिझाने के लिए उस पूरे गांव का विकास कर देगा। होता है ना? राज जी ने ऐसा ही किया है। हमने अपने तरफ से तो कुछ किया नहीं है, लेकिन राज जी ने सारी की सारी शोभा हमें दे दी। करने वाले खुद हैं, बस इतना है, हमारा इसमें योगदान उतना ही है। जैसे कि राज जी ने कहा, इंद्रावती जी वाणी में कहती हैं, कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होएसी जो लेसी एह विचार। राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए वाणी कह दी। अब चूंकि ब्रह्म सृष्टियां जीवों के ऊपर बैठी है, और जिस तन को माध्यम बना करके राज जी जागनी कर रहे हैं, उसको भी ये नहीं पता कि ब्रह्म सृष्टि कौन कौन से जीव में है, इसलिए सबको कह रहे हैं। अब इसमें हम इस तरह से फूल करके कुप्पा तो हो सकते हैं कि देखो हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं और हमारी बदौलत जीवों को मुक्ति दी जा रही है। और इसमें हम दावा भी करते हैं कि क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न करो अखंड। दुनिया को अखंड करने के लिए हमने ऐसा क्या कर लिया? कुछ किया? हमारे तरफ से कोई एफर्ट है? सुख शीतल करो संसार का नारा हम देते हैं, रूमालों में प्रिंट करवाते हैं और लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को शीतल करने में हमने ये क्या योगदान किया अपने तरफ से? हमारा कोई योगदान नहीं। लेकिन राज जी ने हमारे नाम से सब कुछ करवाया। स्वयं हमें जागृत करने के लिए भी आ रहे हैं, बहाने बना बना करके अपने से भी स्वयं ही जोड़ रहे हैं, जीवों तक वाणी भी स्वयं ही पहुंचा रहे हैं, हमारे जैसे तन को माध्यम बना करके वाणी पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं, और सारी की सारी शोभा भी वही दूसरों को ही दे रहे हैं। अपने ऊपर तो कुछ लिया ही नहीं उन्होंने। कभी वो इंद्रावती जी को शोभा दे देते हैं कि इंद्रावती को उपमा में दे अपने हाथ, कभी श्यामा जी को कह देते हैं कि ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। यहाँ इंद्रावती जी को तो उन्होंने बड़ी बड़ाई दई आपने कह दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा उन्होंने। तो ये राज्य की मेहर नहीं तो और क्या है। इसीलिए शुक्राना की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, ए मेहर मोमिनों पर सबों पाई इनो सोहबत, एह समय हके किया फरदा रोज कयामत। कयामत के समय 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में ब्रह्म सृष्टियों के सानिध्य से जीवों को भी वह अखंड का ज्ञान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये राज्य की हम पर मेहर है। इस तरह एक नहीं अपार मेहर है। हम क्या कहते हैं, मेहर सागर जब हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, एक तो हुआ ऐसा है अभी कि मेहर सागर को हमने ना रिचार्ज के तौर पर रखा है। जैसे आजकल तो महीने में एक बार रिचार्ज करना पड़ता है। पहले क्या था, वो 10 रुपए का वाउचर आता था स्क्रैच करके लगाने वाला, 10 रुपए का, 20 का 50 का 100 का। हमने राज्य को कुछ ऐसा ही कर रखा है। उनकी मेहर क्या है, वो देना क्या चाहते हैं, उसको छोड़ करके हम कुछ अलग ही पकड़ रहे हैं। हमने मेहर सागर को छोटा रिचार्ज बनाया है। छोटी समस्या हो तो मेहर सागर का पाठ करते हैं, थोड़ी और गंभीर समस्या तो हम विरह के प्रकरणों का पाठ करते हैं, इससे भी और गंभीर समस्या आए तो हम पूरी वाणी का अखंड पाठ कर लेते हैं या फिर साप्ताहिक पारायण रख लेते हैं। और गंभीर समस्या हो तो फिर हम कहते हैं कि राज्य ये समस्या समाधान कर दीजिए, मैं अकेले ही पूरी वाणी का पाठ करूंगा या पाठ करूंगी। हमने अलग अलग समस्याओं के रूप में, अलग अलग समस्याओं के समाधान के रूप में अलग अलग पाठ बना रखे। जबकि मेहर सागर का भाव कुछ और है। हम क्या करते हैं, दुख आने पे मेहर सागर का पाठ करते हैं। और ये बात मैं एक बार नहीं अनेकों बार दोहरा चुका हूं। दुख आने पर हम मेहर सागर का पाठ करते हैं, और वही मेहर सागर की चौपाई क्या कहती है, दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। दुख आने पर ही सुख की प्राप्ति होती है। और हम क्या करते हैं, दुख तो आती है हमारे पास, लेकिन सुख में परिवर्तित होने से पहले हम मेहर सागर के नाम से उसको भगा देते हैं। तो हमारे जैसा दोहरे मापदंड वाला व्यक्ति कौन होगा संसार में। एक तरफ दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए। ठीक है, दुख के भागे सब फिरे कोई विरला साथ निभाए, दुख से पियूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई। और जैसे ही दुख आए तो कहते हैं, और सागर जो मेहर का सो शोभाल, अति लेते लहर सागर लहर आवे मेहर सागर को भी सुख समय। राज्य मेहर सागर का पाठ करे, दुख समाप्त कर दो। उसी मेहर सागर में कहते हैं कि दुख आए सुख आवत। तो हम क्यों भगा रहे हैं फिर। और यहां मैं जिस प्रसंग की बात कर रहा हूं मेहर सागर की, क्या कहते हैं, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर म पाए। यहाँ शुक्राना के प्रकरण में मेरे ख्याल से 100 के आसपास चौपाइयाँ होंगी, या हो सकता है उससे कुछ कम हो। उतने में राज्य की मेहर को बताने का प्रयास किया है, पर क्या इतने में संभव है, नहीं। प्रकाश की वाणी में मैं लिखूं श्री धनी जी को गुण कह करके इंद्रावती जी शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने क्या कहा, 7 सागर के जल को स्याही बनाया जाए, पूरे पृथ्वी को सपाट करके कागज का रूप दिया जाए, जितने वनस्पति हैं उनकी लेखनी बनाई जाए, लेखनी मतलब पेन, और उसकी नोक जिसको हम निब कहते हैं वो कैसी बनाई जाए। एक कथुआ होता है, कथुआ जो कागज में लगने वाला कीड़ा, बहुत बारीक सा। पहली बात तो कीड़ा ढंग से नहीं दिखता, उसका पैर इतना छोटा होता है पता ही नहीं चलता, और उस पैर को भी बीच में से चीरने पे कितना पतला होता है उतनी पतली नोक की जाए और 1 लिखा जाए। सबसे पहले कागज कितना बड़ा है, पूरी पृथ्वी, ठीक है, तो सबसे पहले 1 लिखा जाए तो कितने गुण हो गए राज्य के? 1। उसके बाद आगे शून्य लगा दिया जाए, और शून्य लगाते समय भी इंद्रावती जी कहते हैं बीच में कोई गैप भी नहीं देना है, बिल्कुल भी जगह बर्बाद नहीं करनी है, और जितना छोटा हो सकता है उतना शून्य बनाना है। तो 10 गुण हो गए। फिर आगे 1 शून्य लगा करके 100, फिर 1000, ऐसे करके कितने शून्य तक आपको गिनती आती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब करते करते संख और महासंख तक की गिनती आपको पता है। मेरे ख्याल से 12, 13 या 14 शून्य लगते होंगे, लेकिन वो तो आप एक ही कागज के एक पन्ने की एक ही पंक्ति में भी भर सकते हैं। ऐसे शून्य लगाते लगाते पूरी पृथ्वी के कागज समाप्त हो जाएं, कहते हैं उतना होने पर भी धनी जी के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। मेघ की बूंदे जेती परे, या कोई वनस्पति निर्वाण करे, यद्यपि वाको निर्वाण होए, पर गुण धनी के गिन ना सके कोई। जब वर्षा होती है कितनी बूंदें गिरती है पता ही नहीं चलता। भले ही उन वर्षा की बूंदों को गिनी जा सके, पर धनी जी के गुणों को बिल्कुल भी नहीं गिना जा सकता है। तो कहाँ तक बताया जाए? ये तो केवल उदाहरण बता रहे हैं। और कौन से उदाहरण? राज्य ने जो हम पर बातिनी मेहर किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक गायन सुना, सखिरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे। जिनकी अंतर चक्षु अथवा आत्मिक दृष्टि खुलती है वही राज्य की मेहर को समझ सकता है। आत्मिक दृष्टि खुली होगी तो जो कुछ भी व्यतीत हो रहा होगा, कल की चर्चा में हमने सुना कि महामति कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो सब कुछ मेहर है। यदि हमें समय पर गाड़ी मिल रही है तो वो भी राज्य की मेहर है, और यदि वो गाड़ी छूट रही है, हम नहीं जा पा रहे, वो भी राज्य की मेहर है। कोई जाहिरी मेहर हो सकती है, कोई बातिनी मेहर हो सकती है, पर सभी राज्य की मेहर ही है हमारी, क्योंकि दृष्टि जीव वाली है ना। आत्मा जीव के ऊपर विराजमान है, जीव अल्पज्य है, तो हमारा एक दायरा है, सीमित दायरा है, हम उतना ही देख पाते हैं। मैंने एक दृष्टांत बहुत पहले भी दिया था, शायद इसी बीतक चर्चा के क्रम में इसी वर्ष, कि टाइटैनिक का दृष्टांत दिया था। शायद आप में से किसी ने सुना हो, किसी ने नहीं सुना हो, है ना। कुछ लोग नए हैं इसलिए संक्षेप में दोहरा रहा हूं। टाइटैनिक जब अपनी यात्रा पर निकल रहा था जहाज, तो एक परिवार था जिसने अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके 6 टिकट खरीदी, पति पत्नी और 4 बच्चों के लिए। लेकिन यात्रा से कुछ दिन पहले उन्हीं के घर के पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को काट दिया, और उस समय कुत्ते के काटने पे 14 इंजेक्शन लगते थे, एक साथ तो नहीं दिया जा सकता है। तो अब सोचे क्या किया जाए, बच्चे को अकेले घर पे छोड़ नहीं सकते। पत्नी ने कहा कि आप बाकी 3 बच्चों को लेके चले जाइए, मैं इसके साथ हूँ, मैं पूरा ये इंजेक्शन लगवा दूंगी रेबीज का। तो पति ने कहा नहीं, जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ये तो ऐतिहासिक यात्रा है और परिवार सब साथ में ही जाएगा। और सब ने जाना कैंसिल कर दिया, और सब कुत्ते को कोसते रहे। अब क्योंकि घर का पालतू कुत्ता है, मार भी नहीं सकते, तो उसको कोसते रहे, गालियां देते रहे कि तेरी वजह से प्लानिंग कैंसिल हो गई। लेकिन जिस दिन टाइटैनिक के डूबने की और उसमें सब लोगों के मरने की खबर आई, उसके बाद पूरे जीवन भर जब तक वो कुत्ता जीवित रहा, उस परिवार के लोगों ने उन बच्चों की तरह उस कुत्ते के साथ ट्रीट किया कि तेरी वजह से हम 6 लोगों की जान बची है। हम देख नहीं पाते ना, हम एक सीमित दूरी तक देखते हैं। तो राज्य की बातिनी मेहर का यहाँ वर्णन किया जा रहा। अब आगे कुछ जाहिरी मेहर की बात करें। कहते हैं ये तो बातुन की मेहर है ऊपर रूहन, और ऊपर मेहर वजूद के, सो जाहिर देखो मोमिन। कि जो हमारे हम पर जो राज्य की जाहिरी कृपा हुई है, जिनको हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं, ऐसी कृपा की भी गिनती नहीं है। तो सबसे पहले ब्रजमंडल से शुरू किया। कहते हैं आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रैन। रैन मतलब धूलि, रेणु, ठीक है। कहते हैं कि आज दिन तक भी ब्रज की चरण धूलि की लोग वंदना करते हैं। लोग ब्रज में 84 कोस की यात्रा करने जाते हैं। कोई सीधे चलकर यात्रा करता है, कोई दंडवत परिक्रमा करके यात्रा करता है, कोई लोट लोट करके यात्रा करता है। दुनिया भर में जितने भी हिंदू मतावलंबी होंगे वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम जीवन में कभी तो वृंदावन गए। कारण क्या इसका? वहां न अभी कृष्ण जी हैं प्रत्यक्ष रूप से, न वो गोपियां हैं, लेकिन चूंकि वहां ब्रह्म की लीला हुई थी। भागवत में भगवान जी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुनि हैं उनके चरण रज, या जो ब्रह्म मुनि हैं वे मुझे ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और स्वयं की, मेरी स्वयं की आत्मा से भी प्रिय हैं, इसलिए मैं उन ब्रह्म मुनियों की चरण रज पाने के लिए उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। अब ये भागवत में लिख क्या दिया? आज भी लोग उस चरण धूलि की वंदना करते हैं और उसको पाना चाहते हैं, केवल चरण धूलि की। और हम कौन हैं? जिस धूलि की बात की जा रही वो चरण हमारे थे। समझ में आई बात? जिस धूलि की लोग वंदना कर रहे हैं वो चरण हम ब्रह्म सृष्टियों के थे, जिसके लिए धर्म ग्रंथों में लिखा आनंद रूपा या सख्यो व्रजे वृंदावने स्थिता कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम। जिन ब्रह्म मुनियों ने ब्रजमंडल में, वृंदावन में लीला की, वे कलयुग में पुनः प्रकट होंगे, ऐसा वर्णित किया गया था, ऐसी भविष्यवाणी की थी। वे हम हैं। तो ये प्रत्यक्ष मेहर है कि हम ब्रज में शामिल हुए अथवा ब्रज की लीला हमने की। सब कोई वांछित तिनको पावे नहीं खबर, अटकले अखंड की पावे न कोई फजर। अब ब्रज के बाद हम गए रास में, फिर आए बीच रास के कहया दूसरा दिन। तो हम ब्रज से रास में गए। रास को सब कोई चाहता है, वांछे मतलब वांछित शब्द है, वांछित मतलब चाहना। रास को कोई कौन नहीं चाहता है? वाणी कहती है नरसैया दौड़िया रस को वाणी करे रे पुकार, रस जाए हुआ अंदर आड़े दरवाजे तक चार। शिवजी उस महाराज की लीला में शामिल होना चाहते हैं, नरसैया उस लीला में शामिल होना चाहते हैं। सुखदेव जी जबराइल के माध्यम से उस रास लीला का वर्णन करना चाहते हैं, पर परीक्षित के टोक दिए जाने से कहते हैं भागे जोश कहे पंच अध्यायी रास वर्णन हुआ न तिनताई। पंच अध्यायी में रास का उन्होंने वर्णन किया, वो भी जोश के जाने के बाद। तो जिस रास लीला को सब जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और कहते हैं रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक। महाराज की रात्रि को ढूंढने के लिए लोग तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। क्योंकि अनुमान क्यों लगाते हैं? देखिए, अब रास को अखंड बताया है, अखंड, ठीक है, और साथ में रात्रि भी कहते हैं। यदि रात्रि अखंड हो गई तो उसके बाद दिन हो ही नहीं सकता। यदि रात्रि ही अखंड है तो दिन कैसे हुआ? और यदि रात्रि अखंड है तो कहाँ पर अखंड है? किसी को पता ही नहीं है। ये तो तारतम्य ज्ञान ने खोला कि रास जो अखंड है वो सबलिक के महाकारण में है, इस कालमाया के ब्रह्मांड में नहीं। लोग इस कालमाया के ब्रह्मांड में कोई अलग, कोई निधिवन को बताता है कि यहाँ आज भी रास की लीला होती है, ये होती है, वो होती है। वास्तव में नहीं है। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, एक अभ्युपगम न्याय है, न्याय दर्शन में अभ्युपगम न्याय की बात की जाती है कि जो जिस सिद्धांत को आप मानते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने भी मान लिया, सपोज किया, मान लिया कि इसी निधिवन में रास की लीला अखंड हुई है, और हर किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये कैसे संभव है जब भागवत का ये कथन है कि महाप्रलय में 14 लोक का ही नाश हो जाता है, निधिवन भी नहीं रहने वाला है। तो ये निधिवन ही नहीं रहेगी, फिर यहाँ रास की लीला कैसे संभव है? इसीलिए रास की लीला कहीं और हुई है, जिसके लिए भागवत के 10वें स्कंद में कहा, दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवकुमकुमारुणम वनम च तत्कोमलगोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनः चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। किसका आश्रय लिया भगवान ने रास की लीला करने के लिए? योग माया का। और ये तो योग माया है ही नहीं, ये काल माया का ब्रह्मांड है। तो जिनको इतना पता भी नहीं है, दुनिया वालों को रास की लीला को ढूंढना चाहते हैं, जानना पाना चाहते हैं, और हम उस रास की लीला में शामिल थे। और हमें वो ब्रह्मवाणी दी राज जी ने साथ में, इस जागने के ब्रह्मांड में, जिसने रास में हुई सभी रामतों का वर्णन किया है। तो ये राज जी की मेहर नहीं तो और क्या है। और प्रत्यक्ष मेहर की बात की जाए तो ब्रज लीला में अघासुर, बकासुर, पूतना, धेनुकासुर, उत्कच, त्रिणावर्त, ऐसे कितने ही राक्षस आए, सबसे राज जी ने रक्षा की हमारी, इंद्र के प्रकोप से रक्षा की। कंस के द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों से रक्षा हुई। ये जाहिरी मेहर है जिनको गिनाया जा रहा है। इस तरह से पहले दिन की लीला में हम शामिल थे, दूसरे दिन की लीला में हम शामिल थे, तीसरे दिन की लीला जो की गई जिसमें मोहम्मद साहब पैगंबर बन के आए, उनके तन से बहुत सारे चमत्कार हुए और कुरान का अवतरण कराया गया, वो भी हमें प्रबोधित करने के लिए। चौथे दिन श्री देवचंद्र जी के माध्यम से राज जी हमें जगाने के लिए आए, तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर के। 5वें दिन की लीला में श्री मिहिर राज जी के तन को माध्यम बनाकर इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर राज जी ने यह संपूर्ण वाणी दी, जिसकी महिमा अभी हम इतनी देर से सुन रहे हैं। और जो 6ठा दिन है, कहते हैं अब 6ठा दिन जुम्मे का तहां मोमिन जमा है। ये जो 6ठा दिन है जिसको जुमा कहा जाता, जिसमें सभी सुंदर साथ इकट्ठे होंगे अर्थात जागृत होंगे। और ये सब होत तीन वास्ते सुकन जबराई ले कहे। और ये जो लीला हो रही है 6ठे दिन में भी जो होने वाली है, ये केवल तभी संभव हो पाया जब राज्य के जोश की शक्ति जबराइल ने तारतम वाणी हमें दी। 6ठे दिन में जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? किसी एक तन को तो माध्यम नहीं बनाया है राज्य ने। मूल माध्यम किसको बनाया है? ब्रह्मवाणी को। 5वें दिन की लीला समाप्त होते होते श्री जी ने छत्रसाल जी को ये आदेश दिया कि छत्ता, यदि मुझे देखना है तो या तो ब्रह्मवाणी में देखो या फिर सुंदर साथ के हृदय धाम में। तो इसीलिए 6ठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी को वो शोभा प्राप्त है और साथ में सुंदर साथ को शोभा प्राप्त है कि किस तरह से इस ब्रह्मवाणी का प्रचार करना है। अब कहते हैं, ए माजजे मोमिन देखही सब पांचों दिन के। ये जो 6ठे दिन की लीला, ये भविष्यवाणी हो रही है कि 6ठे दिन में इससे पहले जितनी भी लीलाएं हुई, जितने भी चमत्कार हुए, जितनी राज्य की मेहर हुई, उन सभी मेहरों को, उन सभी कृपाओं को हम ब्रह्म सृष्टि देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जिस तरह से एक पुत्र पिता का वारिस होता है, उत्तराधिकारी होता है, इसी तरह राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों को पिछली तीनों सूरतों का, बसरी, मलकी और हक्की, तीनों सूरतों का, मोहम्मद साहब जो कुरान का ज्ञान लेकर के आए, श्री देवचंद्र जी के द्वारा जो परमधाम की लीला, परमधाम का ज्ञान प्रकट हुआ, और श्री जी साहिब के द्वारा ब्रह्मवाणी के रूप में अवतरित हुआ, उन तीनों का वारिस उत्तराधिकारी हमें बनाया। परंतु उत्तराधिकार कह देने से थोड़ी होता है। हमने भजन गा दिया कि 6ठा दिन मोमिनों का जागनी अभियान करने का, या ये कह दिया कि जागो और जगाओ फुरमान है धनी का, या ये कह दिया कि हम ब्रह्म सृष्टि सभी ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाले हैं, हमें वो अधिकार प्राप्त है। अधिकार कभी भी कहने से प्राप्त नहीं हो जाता, अधिकार लेना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि ले लिया मतलब कोई वस्तु थोड़ी है कि ले लेंगे। अधिकार लेने के लिए सबसे पहले पात्रता बनानी पड़ती है, और वो पात्रता आती है कर्तव्य के पालन से। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। देवचंद्र जी को सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहा गया तो ऐसे ही नहीं कहा गया, उन्होंने अपनी पात्रता बनाई। श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में राज्जी विराजमान हुए, उन्हें सबने राज्जी कह करके या राज्जी के रूप में ही सेवा की, पहचान की, तो उन्होंने पात्रता बनाई। आज हमारा केवल दावा है। देखिए दो चीजें हैं, दावा को उल्टा कर देंगे तो वादा बनता है। दावा यदि है तो वादा पूरा करना पड़ेगा। हमने दो वादे किए, एक राज्जी से कि आपको नहीं भूलेंगे, दूसरा दावा किया ब्रह्म सृष्टियों से कि तुम भूलो तो मैं जगाऊंगी, मैं भूलूं तो तू जगाना। यहाँ आकर के हम दावा ही भूल गए, वादा भी भूल गए, अब कौन जगाए। हाँ, राज्जी ने किसी तन को माध्यम बना करके जगाया, फिर भी हम जाग नहीं रहे हैं। केवल शब्द ज्ञान है हमारे पास, न हमें राज्य की पहचान है, न हमें निज स्वरूप की पहचान है, न हमारी रहनी में तारतम्य ज्ञान लेने से पहले और बाद में रत्ती भर भी फर्क आया है। तो केवल दावा करने से थोड़ी हो जाता है। दावा और वादा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों को पूरा करने के लिए कर्तव्य पालन करना पड़ता है। हमारे दावे और हमारे वादे दोनों उन नेताओं की तरह होते हैं जो चुनाव से पहले लिस्ट बनाते हैं, जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरकार बनते ही सब दावे। इसी तरह से हमने भी ऐसा ही किया, लेकिन हाँ, राज्य ने हमें शोभा दी है। अब सवाल ये होता है कि समस्या तो पता चल रही है बहुत सारी, पर समाधान क्या हो। तो समाधान यही है कि हम सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाएं। राज्य से किया गया वादा पूरा करना है तो सबसे पहला स्थान राज्य को देना होगा, राज्य को अपना मानना होगा, और ब्रह्म सृष्टियों से किया गया दावा पूरा करना है तो हमें ब्रह्म सृष्टियों को भी अपना मानना होगा। जितने हमारे लिए राज्य अपने हैं उतने ही ब्रह्म सृष्टि भी अपनी है। सुंदर साथ को हमें अपना मानना होगा, और जागनी के अभियान को यह समझना होगा कि ये हम सबका उत्तरदायित्व है। केवल श्री देवचंद्र जी का, श्री जी साहेब का, या अब तक जितने परमहंस हुए उन परमहंसों का, या आज के समय में कुछ प्रचारक गिने चुने चर्चा कर रहे हैं, उनका कर्तव्य नहीं है। हो सकता है कि आपको चर्चा करने की शोभा न मिली हो, पर यहाँ बीतक जब हम पढ़ते तो क्या सब चर्चा करते थे, लेकिन योगदान तो सभी ने दिया है। सबने अपने अपने तरफ से योगदान दिया है। एक मशीन में एक छोटे से स्प्रिंग का अपना महत्व होता है, एक स्क्रू का अपना महत्व होता है, उसके इंजन का अपना महत्व होता है, फ्यूल का अपना महत्व होता है। इसी तरह से यदि हम इंजन नहीं बन सकते, कम से कम स्क्रू बन सकते हैं, कम से कम हम स्प्रिंग बन सकते हैं। कोई ना कोई छोटे से छोटा योगदान हम दें, बड़े से बड़ा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। हम सभी लोग यदि इंजन की तरह जुड़ जाएं तो जागनी रूपी जो रेलगाड़ी है वो जल्दी से मंजिल की तरफ पहुंचेगी। इंजन की शक्ति बढ़ाएं तो और जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ेगी। अन्यथा क्या हो रहा है कि जागनी रूपी जो गाड़ी है अपने स्टेशन पर तो खड़ी है, कुछ जो जाग चुके हैं वो स्टेशन में जाके अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं, और जो नहीं जाग रहे हैं वो अनाउंसमेंट सुनते हुए भी, अनाउंसमेंट तो सुन ही रहे ना वाणी की इतने वर्षों से, अनाउंसमेंट सुनते हुए भी कि ट्रेन आ चुकी है, हम मार्केट में गए हैं। अब मार्केट में ऐसे ही व्यस्त रहेंगे तो क्या होगा, ट्रेन तो नहीं छूटेगी, क्योंकि हमें लिए बिना ट्रेन नहीं जा सकती, पर हम उसका गलत फायदा उठा रहे हैं ना। हम खुद मान लीजिए कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल ले लें कि हम ट्रेन में बैठे हुए, उसी ट्रेन से किसी वीआईपी को यात्रा करनी है और जो अभी घर से निकला ही नहीं है, ट्रेन के छूटने का समय हो चुका है, वो अपने घर से निकला नहीं है, तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि असुविधा के लिए खेद है, हमारे मंत्री जी, रेल मंत्री जी इस ट्रेन से यात्रा करने वाले, इसलिए आपको थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 10-15 मिनट रुक जाते हैं, वैसे भी क्या करना है, घर पर जल्दी पहुँच के। लेकिन 2 घंटा हो गया, यदि 2 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़े फिर हम मन ही मन मंत्री जी को गाली देना शुरू करेंगे, क्योंकि हम वैसे तो नहीं दे सकते। और यदि एक दिन भर वो ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी रहे तो आज 5वें दिन की लीला समाप्त हुए, 330 वर्ष हो चुके हैं। जागने की गाड़ी वहीं की वहीं है और हमारे जैसे वीआईपी पैसेंजर मस्त हैं, कहाँ, गोविंद भेड़े की मंडली में, व्यापार है ना हमारा। और दूसरी बात, एक जो सजग यात्री होता है वो क्या करता है, वो तो कुछ खरीद करके जल्दी से जल्दी जाके बैठेगा ना, लेकिन हम खरीद नहीं रहे हैं, हम तो अपना व्यापार फैला रहे हैं। समेटने की जगह पर हम अपना व्यापार फैलाते जा रहे हैं। किस किस रूप में फैला रहे हैं, ये हमारा फलाना है, वो हमारा ढिमका है, ये हमारा व्यापार है, ये हमारी दुकानदारी है, ये हमारा बिजनेस है। ऐसा करके हम अपना व्यापार ही फैलाते जा रहे हैं। ट्रेन में जाने की तो कोई सोच ही नहीं रहा, हमें ये एहसास ही नहीं है कि लगभग 350 वर्षों से हमारी वजह से ट्रेन रुकी हुई है। तो इस उत्तरदायित्व को जब हम वहन करेंगे तो हमारी ट्रेन चल पाएगी, अन्यथा नहीं चल सकती। हमें केवल ये कह देने से, मुख से ये कह देने मात्र से कि राज्य की हम पर मेहर है, या फिर राज्य हम पर मेहर नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे द्वारा इस ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी है, केवल इतना कह देने मात्र से जागने भी नहीं होगी और मेहर का हम अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। राज्य के मेहर का अनुभव करना है तो अंतर्दृष्टि खोलनी ही होगी। थोड़ी बहुत विवेक बुद्धि भी आ जाती है, तब भी थोड़ा बहुत तो हम समझ लेते हैं, पर पूरी तरह से समझने के लिए तो अंतर्दृष्टि खोलने की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे क्या कहते हैं कि ए कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन, तीन कौल कोई ना ले सके बिना मेरे दिल रोशन। ये जो ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, ये कैसे हुआ है या किसके लिए हुआ है? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। उनके अतिरिक्त कहते हैं कि श्री जी कह रहे हैं मेरे दिल के अतिरिक्त, कह रहे हैं ना बिना मेरे दिल रोशन, बिना मेरे दिल के कोई भी तारतम वाणी के रहस्य को खोल ही नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि ब्रह्मवाणी को सही से समझना है तो हमें महामती जी के हृदय को समझना ही होगा कि किन परिस्थिति में, किन परिवेश में ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, अन्यथा हम इसके दर्द को ही नहीं समझ सकते। हमारी तो अवस्था कैसी है, हम तो मान लीजिए कि विरह के भी प्रकरण होंगे ना, विरहा गतरे जाने सोए, हम उसको ढोलक की थाप में गाएंगे, वालो विरह रस भिनो रंग विरह मा रमाण, तो बहुत सारे सुंदर साथ उस पर नाचना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें उसके दर्द का पता नहीं है। जब तक हम दर्द को नहीं समझ सकते, कहावत कही जाती है ना, जाकी पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके खुद के पैर नहीं फटे होते वो दूसरे के दर्द को नहीं जान सकता है। वो हाय बेचारा तो कह सकता है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को पीड़ा में देख करके, दर्द में देख करके हम कहते हैं कि कोई बात नहीं हम समझ सकते, पर नहीं समझ सकते, उसकी परिस्थिति में हम पहुंचे ही नहीं है। हमने उसके जूते पे अपना पैर डाल के देखा ही नहीं, हमें कैसे पता होगा कि वो टाइट है कि लूज है कि फिट है। इसी तरह से महामती जी जिस अवस्था में पहुंची थी, उस अवस्था में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, उस अवस्था के नज़दीक, वैसे तो उस अवस्था तक कोई पहुंच नहीं सकता है, पर जितना नज़दीक पहुंचेंगे हम वाणी को उतनी सरलता से या उतनी ही अच्छाई से समझ पाएंगे। अब आगे कहते हैं और कोई ना समझे, उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता है पहले ना आवे ईमान, और समझे बिना ईमान भी नहीं आ सकता। बिना अंकुर क्या करे आवे नहीं पहचान। परम धाम का अंकुर न होने से जीव सृष्टि को तो पहचान हो ही नहीं सकती। पहचान किसको हो सकती है? हमें, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि हैं और हमारे लिए ब्रह्मवाणी है। ये जोरात जी की मेहर है। हकीकत मारिफत के खोल दिए दरबार। और ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही राज जी ने हकीकत और मारिफत के ज्ञान के द्वारा परमधाम रूपी दरबार को खोल दिया है। खोल देने का मतलब क्या है? खोल देने का मतलब ये कि अब कोई भी घुस सकता है। माध्यम कौन? ब्रह्म सृष्टि लाए राज्य। पर घुसने का तात्पर्य क्या है कि आज जीव सृष्टि को भी वह अधिकार प्राप्त है कि जो शुद्ध अक्षर को जागृत अवस्था में भी नहीं थी, वह यहाँ पर वो स्वाप्निक अवस्था में भी जान सकता है। यदि जीव सृष्टि भी इस ब्रह्मवाणी को पढ़कर श्री जी के स्वरूप पर, प्राणनाथ जी के स्वरूप पर पूर्ण रूप से ईमान लाता है और प्रेममय चितवनी के मार्ग को अपनाता है, तो परमधाम का दर्शन वो प्राप्त कर सकता है। इसीलिए राज जी ने कह दिया कि सबके लिए उन्होंने द्वार खोल दिया। देखद अचरज पावहीं पहुँचे ना परवरदिगार। ब्रह्म सृष्टियाँ उन्होंने जिन तनों को धारण किया है, उनको देखकर संसार के लोग आश्चर्य करते हैं। आश्चर्य किस बात का करते हैं कि क्या सच में इन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिसको हम अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण से समझते। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना हरिद्वार का प्रसंग। श्री जी हरिद्वार पहुंचे हैं। सबसे पहले लोगों ने संशय किस बात पर किया? वेशभूषा देख करके ही तो किया ना। बाह्य वेशभूषा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम तो नए दिखते हो, तुम्हारी पद्धति कौन सी है। वहीं से बातचीत शुरू हो गई। तो वेशभूषा देख करके लोग निर्णय कर लेते हैं या फिर एक धारणा बना लेते हैं। वहाँ भी पता नहीं है और यहाँ भी। अभी भी जो हिंदू हैं वो श्री जी की वेशभूषा को देखते हैं कि इनकी वेशभूषा हिंदू वैरागियों की है, पर ये साथ में कुरान भी पढ़ते हैं। जो मुसलमान है वो कहते हैं कि ये कुरान तो पढ़ते हैं पर हिंदू वेशभूषा धारण कर रखी है। दोनों केवल बाह्य वेशभूषा को देखते हैं लेकिन आंतरिक अवस्था को नहीं समझ पाते। बड़े महाराज जी के प्रसंग से एक, उनकी जीवनी से एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। चमेल सिंह जी नाम के एक आर्य समाज के अनुयायी थे। अब आर्य समाज में क्या होता है, प्रतिदिन हवन किया जाता है, सुबह शाम संध्या की जाती है। उनमें हवन में, संध्या में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। उसी वेद मंत्र में जब संध्या की जाती है तो एक वेद मंत्र आता है जिसमें दो शब्द प्रमुखता से हैं, ऋतम च सत्यम च। ऋत और सत्य, दोनों का अर्थ वैसे सत्य ही होता है, पर उसमें एक सत्य है सापेक्ष सत्य और एक सत्य है जो निरपेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य ऐसा है जिसको किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है और निरपेक्ष सत्य जिसको हम परम सत्य अथवा मारिफत की अवस्था अथवा विज्ञान भी कहते हैं। जैसे इस दुनिया में हम कुछ भी बोलते हैं, मुख से कोई सत्य उच्चारित करते हैं तो वो सापेक्ष सत्य हो गया, पर परमात्मा को हम प्रमाण थोड़ी दे सकते हैं। परमात्मा का प्रमाण तो हम नहीं दे सकते ना। शाब्दिक प्रमाण दे सकते हैं, पर उसके धाम स्वरूप लीला के विषय में कोई कह दे कि तुम बताओ, तुम दिखा के बताओ, तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसा सत्य जिसको बताने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता न हो, ऐसा सत्य जो है वह ऋत है, जो परम सत्य है। अब बड़े महाराज जी ने सामान्य वेशभूषा में है, एक तो वो स्कूल की, उन्होंने कोई पाठशाला की पढ़ाई भी नहीं की, न उन्होंने, देखिए सामान्य रूप में वेदों का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले तो अष्टाध्यायी याद करते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी याद करने में अगर जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, सामान्य औसत जिनकी बुद्धि होती है ना तीव्र, उनको लगभग 4 महीने लगते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं जो इससे कम समय में भी कर लेते हैं। तो 4 महीने का एक औसत मान के चले अच्छे मस्तिष्क वाला व्यक्ति। फिर उसकी जो व्याख्या है उसमें 3700 के आसपास सूत्र है, लगभग 4000 के आसपास। उसकी व्याख्या स्वरूप जो ग्रंथ है व्याकरण में, उसको कहते हैं प्रथम आवृत्ति, वो पढ़नी पड़ती है। उसके बाद उसकी जो व्याख्या है उसको कहते हैं काशिका, तो काशिका पढ़नी पड़ती है। ठीक है, पहले अष्टाध्यायी फिर प्रथमावृत्ति। प्रथमावृत्ति पढ़ने में लगभग मेरे विचार से यदि अच्छे से समय दे करके पढ़ा जाए तो अष्टाध्याय याद करने के बाद शायद 2 साल का समय लग सकता है। ठीक है, उसके बाद काशिका और महाभाष्य, इतना पढ़ने पर केवल व्याकरण पूरा होता है। ठीक है, फिर साथ में शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। और इतना पढ़ करके कोई व्यक्ति वेद के अर्थ को स्वयं बिना किसी की टीका देखे समझने लायक बन पाता है। ठीक है, अब बड़े महाराज जी तो किसी गुरुकुल में नहीं गए पढ़ने के लिए, उनकी वेशभूषा भी सामान्य वेशभूषा है। जितने भी आप उनके स्वरूप को, उनकी फोटो को यहीं पे सामने बैठे हुए देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं कि चलो तारीफ कर रहे हैं, तो अब इनकी वेशभूषा देख करके कोई थोड़ी कहेगा कि ये मारिफत की बात इस तरह से, जो रित और सत्य की बात बता देंगे, सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य की बात बता देंगे। पर चूंकि राज्य की शक्ति उस तन से कार्य कर रही है, राज्य की मेहर है ना उन ब्रह्मात्मा पर, इसी तरह से एक प्रसंग आता है, प्रसंग चल ही रहा है तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का और समय लेकर के, कि विद्वत दमनी जिन्होंने लिखी है, जिनको हम भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य जी सब जगह पर शास्त्रार्थ में जीतते जा रहे थे। अपनी पत्नी के पास आए और कहते हैं कि मेरी आरती उतारो भगवान के रूप में, कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मध्य प्रदेश पन्ना जी जाइए, वहाँ पहले प्राणनाथ जी को हराइए, तो मैं मानूंगी कि आप शास्त्रार्थ महारथी हैं, तो मैं आपकी आरती उतारूंगी। भट्टाचार्य जी ने सोचा कि इतने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिए, प्राणनाथ जी कौन है। अपनी सारी पोथियाँ उठाई, जितने भी किताबें थी उठाई, और चल दिए पन्ना जी की ओर। पन्ना जी में जैसे ही पहुँचे, अब जिस तन में साक्षात अक्षरात्य विराजमान हो, उन्हें पता है कि किसका अहंकार कैसे तोड़ना है। उन्होंने केवल वहाँ की कुछ 5-5 वर्ष की बालिकाओं के ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया। वे गायन कर रही हैं, अब कहूँ मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजियो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही सुन, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अब ये क्या है? ये कुछ वेद मंत्र हैं जो सृष्टि रचना के बहुत गहरे भाव को प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? ना सदा सिन्नो सदासित तदानिम, जब सत्य भी नहीं था असत्य भी नहीं था, हम कहते हैं ना कुछ भी नहीं था जब, नासिद रजो नो व्योमा परोयत, किमावरी वह कुहकस्य सर्मन नंभ, किमासिद गहनम गभीरम, न मृत्युरासिद अमृतम न तरहि, जब मृत्यु भी नहीं थी अमृतत्व भी नहीं था, न रात्रि अहन आसिद प्रकेता, जब रात भी नहीं थी दिन भी नहीं था, आनीद वातम स्वधया तदेकम, तस्माद् धन्य परः किम चनास, तमह आसित तमसाम गूढ़हम अग्रे प्रकेतम, सलिलम सर्वमाइदम, तुच्छ येनाभो पिहितम, यदासित तपसस्तन्महि ना जायतकम। ये वेद मंत्र है और इसको हर कोई खोल भी नहीं सकता है, बिना तारतम ज्ञान के कोई इसके रहस्य को समझ नहीं सकता है। और प्रगट वाणी में इतने सरल शब्दों में बता दिया। 5-5 वर्ष की बालिकाएं उसका पाठ कर रही हैं। भट्टाचार्य जी सोच करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा ज्ञान है, ये कौन है कि इस उम्र में वेद के उस गहन रहस्य को खोल रहे हैं। तो इसीलिए केवल बाह्य रूप को देख करके नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि लोग ब्रह्मात्माओं को बाहरी रूप में देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा स्वरूप है और इतना ऊंचा ज्ञान। जब ज्ञान देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। तो ये राज्य की मेहर है। उन बालिकाओं पर भी, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी पर, महाराजा छत्रसाल जी को देख लीजिए, वो कहीं पर तालीम लेने थोड़ी गए, पर जब सुंदर वल्लभ बद्री आते हैं, भागवत के 2-4 प्रश्न से वो परास्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे प्रसंग में सुनेंगे पन्ना जी के प्रसंग में। तो इस तरह से राज्य की मेहर पल पल हमारे साथ है। इनमें से कुछ जाहिरी मेहर है, कुछ बातिनी मेहर है, जिनको हमने सुना। अब कल आगे हम इसी प्रसंग को और सुनेंगे। कल मेरे ख्याल से आकोट का शुक्राना का प्रसंग समाप्त हो जाना चाहिए। अभी तो और भी प्रसंग है, एक चौपाई आएगी आगे, कल की जिज्ञासा के लिए मैं बता रहा हूँ। एक चौपाई है, एक बेईमान औरत, दूजा बाजे बजावनहार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथा बाजीगर होशियार। इसका अर्थ क्या है? सामान्य रूप में केवल शब्द को देखेंगे तो लगेगा कि इसमें तो नारी जाति का अपमान किया है, स्त्रियों का अपमान किया है, इलम ज्ञान पढ़ने से मना किया गया तो ज्ञानपीठ बंद कर दो, ऐसी ऐसी बातें हो सकती है। तो इन सब का अर्थ क्या है जिसको हम समझेंगे कल की चर्चा में। अभी के लिए समय पूरा होता है। चौपाई दोहराइए। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावहीं, पहुँचे न परवर दिगार, पहुँचे न परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।